जीवन की सहजता खोने ना दे। एक बार एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें बहुत लोग उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया बासमती चावल का पुलाव बन रहा था। सभी का मन पुलाव में लगा हुआ था। खाने में देर हो रही थी, भूख भी खूब लग रही थी। आखिर खाने में पुलाव परोसा गया। खाना शुरू ही होने वाला था कि रसोइये ने आकर कहा कि पुलाव संभल कर खाइएगा, क्योंकि शायद उसमें एक आध कंकड़ रह गया है, वह किसी के भी मुंह में आ सकता है। मैंने बहुत से कंकड़ निकाल दिए हैं, फिर भी एक आध रह गया होगा तो दांत के नीचे आ सकता है। यह सुनकर सभी लोग बहुत संभल कर खाना खाने लगे। सभी को लग रहा था कि कंकड़ उसी के मुंह में आएगा। यह सोचकर खाने का सारा मजा किरकिरा हो गया और पुलाव खाने की जो प्रबल इच्छा थी वह भी थम गई। सब लोग बिना कुछ बोले, बिना किसी हंसी मजाक के भोजन करने लगे। जब सबने खाना खा लिया, तब उन्होंने रसोइयों को बुलाया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा था, जबकि कंकड़ तो भोजन में था ही नहीं, हम में से किसी के भी मुंह में नहीं आया। तब रसोइये ने कहा कि मैंने अच्छी तरह से चावल बिने थे, लेकिन चावल में कंकड़ भी ज्यादा थे, इसलिए मुझे लगा शायद एकाद रह गया हो। यह सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खाने के बाद किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब निराश हो गए थे, क्योंकि सभी का ध्यान कंकड़ में था, खाने के स्वाद में कोई भी नहीं ले पा रहा था, इसीलिए सब निराश थे। यही परिस्थिति हमारी आज की है। एक वायरस को लेकर हम हमारी आजादी खो बैठे हैं। हर वस्तु, व्यक्ति, प्राणी पर शंका कर रहे हैं। आज तक जो लोग हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जैसे दूध वाला, फल वाला, सब्जी वाला, पेपर वाला, इन लोगों पर से भी हमारा विश्वास उठ गया है और हम हमारे आज के सुहाने दिन खो बैठे हैं। शारीरिक रूप से भी थकान महसूस कर रहे हैं। ये सब कुछ हद तक हमारी सोच पर भी निर्भर है, इसलिए इससे बाहर निकलना होगा। वायरस को नहीं, अपने आप को मजबूत करिए। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दीजिए। ईश्वर की कृपा से सब कुछ जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। आज के सुंदर दिन के लिए सुंदर शुरुआत करिए। अपने आप को मजबूत कीजिए। खाना खाते समय खाने की रुचि और स्वाद लेकर खाते रहें। बाहर निकलते समय उचित मास्क पहनिए। प्राप्त सामाजिक दूरी रखिए। शुद्ध भोजन कीजिए। धन्यवाद।